तो भाई लोग स्वागत है आप सभी का मेरे और एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं आज जी फाइव पे रिलीज हुई कन्नड़ा मूवी हीरो का, जिसमें आपको लीड में दिखाई देंगे ऋषभ शेट्टी, गणवी, लक्ष्मण, प्रमोद शेट्टी, उग्रम, मंजू। तो ज्यादा देर न करते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो मूवी का प्लॉट है ना वो एकदम यूनिक है, बहुत ही ज्यादा यूनिक मूवी का प्लॉट है। लेकिन जो मूवी की कहानी है ना उसे हम लोग दो शब्दों में भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मूवी का प्लॉट जिस तरह से उन्होंने रचा है ना उसके लिए मूवी के डायरेक्टर की एक बार तारीफ तो करनी बनती है। मूवी का फर्स्ट हाफ एकदम ठीक ठाक है। मूवी के फर्स्ट हाफ से जब स्टार्टिंग होती है तब ऐसे कुछ सीन आते हैं जिसमें लगता है कि मूवी की कहानी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होगी, और वैसे ही मूवी की कहानी है। लेकिन जो मूवी की कहानी को अलग और बहुत ही अच्छा बनाता है वो है मूवी का ह्यूमर, मतलब मूवी की जो कॉमेडी है ना वो अलग लेवल की है। क्योंकि ऋषभ शेट्टी है तो आप सभी को पता ही है उनकी मूवीज कैसी होती है, तो उनकी अच्छी कॉमेडी के कारण पूरी मूवी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे मूवी का सेकंड हाफ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हाँ मूवी का फर्स्ट हाफ भी अच्छा है, लेकिन जो मूवी की कहानी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड है। प्रेडिक्टेड क्यों है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि एंडिंग में क्या होने वाला है, पहले से पता चल जाता है। तो मूवी की कहानी प्रेडिक्टेड है, बस मूवी की कहानी को बचा लेता है वो है मूवी का स्क्रीन प्ले। मूवी का स्क्रीन प्ले है ना वो जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा मूवी का स्क्रीन प्ले है। मूवी के स्क्रीन प्ले में कोई भी कमी नहीं है, और जो मूवी के कैरेक्टर है ना उन्हें भी अच्छी तरह लिखा गया है। मूवी के कैरेक्टर जबरदस्त लेवल के है, और जो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हर एक सीन में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है ना वो अलग ही लेवल का है, क्योंकि मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और पूरी मूवी इस तरह से चलती रहती है जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा है, हमको इस तरह तो ड्रामा देख रहे हैं इसी पूरी मूवी में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही पूरी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है बैकग्राउंड म्यूजिक, और पूरी तरह कई कई जगह पर थ्रिलर है, कई कई जगह पर कॉमेडिक है, कई कई जगह पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खतरनाक है मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। मुझे ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आया। गणवी के कैरेक्टर में उतना दम नहीं था, लेकिन जो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर है ना बहुत अच्छी तरह से लिखा गया था, जिसके कारण मूवी में उनका कैरेक्टर एकदम ऐसे उजाल के आता है। मुझे ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आया। गणवी का भी अच्छा था, लेकिन उनका कैरेक्टर है ना वो उतना अच्छा नहीं था। ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर पूरी मूवी में अच्छी तरह देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छी तरह उनका कैरेक्टर लिखा गया है, जिसके कारण उनके कैरेक्टर की तरफ हमारा बहुत ही अच्छी तरह ध्यान जाता है। और पूरी मूवी की कहानी भी उनके कैरेक्टर के ऊपर है। थोड़ा बहुत लव है, लेकिन उतना भी लव नहीं है, सिर्फ एक ही सीन है और एक प्लान है जो कि फेल हो जाता है, और बाद में क्या होता है इसी तरह पूरी मूवी में हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी तरह रचा गया है। मूवी के डायरेक्शन में कोई भी कमी नहीं है, मूवी का डायरेक्शन एक नंबर है। लेकिन जो मूवी की कहानी है ना वो प्रेडिक्टेड है, लेकिन फिर भी अगर आप ऋषभ शेट्टी के फैन हो तो ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर नहीं हो तो अच्छी अच्छी मूवी है ये, अगर आपको देखनी है तो। थोड़ा वो थ्रिल है, रोमांस है, थोड़ी बहुत एक्शन सीन्स नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है और कहानी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है, जिसके कारण आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आपकी वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला घंटा है ना उसे भी दबा दो, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।